हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। आई एम अक्षय एंड वेलकम टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो में हम सीखेंगे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सर्टिफिकेट का डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं। सो चलिए चालू करते हैं फॉर टुडेज वीडियो। सो आज की वीडियो में हम इस प्रकार का एक सर्टिफिकेट रेडी करेंगे। सो उसके लिए हमने एक यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक शीट ओपन किया है, जिसमें हमें फर्स्ट काम करना है कि पेज का ओरिएंटेशन करना है। हमें लैंडस्केप पेज चाहिए सर्टिफिकेट के लिए। सो उसके लिए हम यहाँ पे पेज लेआउट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाएगा ओरिएंटेशन, सो जस्ट उसके ऊपर क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे लैंडस्केप। सो दैट अभी हमारा पेज लैंडस्केप फॉर्मेट में हो गया। सो उसके बाद हमें सिलेक्ट करना है एज अ बॉर्डर पेज का। सो उसके लिए हम पेज लेआउट में ही हमें एक ऑप्शन मिल जाएगा एज अ पेज बॉर्डर। सो उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ से आप डिफरेंट डिफरेंट बॉर्डर्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सो दैट हम अभी जाएंगे 3D बॉर्डर के साथ एंड यहाँ से सिलेक्ट करेंगे डबल लाइन बॉर्डर। तो उसके लिए डबल लाइन वाला मैंने बॉर्डर सिलेक्ट किया एंड आप यहाँ से पेज का विड्थ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने पेज का विड्थ सिलेक्ट किया एज वेल एज हम कलर सिलेक्ट करेंगे एज अ ब्लू कलर एंड आई एम क्लिकिंग ऑन ओके। सो दैट हमारा पेज का बॉर्डर भी रेडी हो गया। पेज का बॉर्डर रेडी होने के बाद हमें करना है यहाँ पे दो शेप्स ऐड करने हैं। सो इंसर्ट करने के लिए पेज में शेप्स हम यहाँ पे इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड शेप्स के ऊपर क्लिक करेंगे। सो दैट हमें यहाँ पे मल्टीपल शेप्स मिल जाएंगे। इसमें से हमें ट्राइंगल का शेप सिलेक्ट करना है। सो दैट हमने यहाँ पे ट्राइंगल का शेप सिलेक्ट किया एंड हम ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं एंड इसको हम रोटेट भी कर लेंगे सो दैट हम एक साइड में उसको अटैच कर सके। हम यहाँ पे उसको अटैच कर देंगे, उसको भी कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पे हम अगेन उसको कंट्रोल भी कर लेते हैं कॉपी के बाद एंड इसको लास्ट में हम उसको अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे हम उसको अटैच एक साइड में दोनों साइड में हमने कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे जो हमने अभी दो शेप्स ऐड किए हैं उनको कलर भी फिल कर लेते हैं। सो दैट हमने उसको सिलेक्ट किया, दोनों शेप्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, कंट्रोल दबा के मैंने दोनों शेप्स को सिलेक्ट कर लिया एंड उसके बाद हम आएंगे फॉर्मेट के ऊपर। यहाँ पे फॉर्मेट में हमें ऑप्शन मिल जाएगा शेप फिल, तो शेप फिल के ऊपर हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे कलर। सो दैट मैंने कलर सिलेक्ट किया एंड उसका आउटलाइन जो अभी हमें दिख रहा है ब्लू कलर का आउटलाइन दिख रहा है, तो हमें आउटलाइन नहीं चाहिए। सो उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हम आएंगे नो आउटलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो हमारा अभी शेप यहाँ पे ऐड हो गए। इसको शेप को हम अगर आप आपको इफेक्ट देना है तो आप इफेक्ट भी यहाँ से दे सकते हैं। सो दैट हम यहाँ पे इफेक्ट लेंगे एंड यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे ये वाला इफेक्ट ऑफसेट बॉटम का। सो दैट अभी शेप दिखने के लिए थोड़ा सा 3D इफेक्ट में भी हमें दिख रहा है सिमिलर। इसको भी हम सिमिलर शेप में आएंगे एंड यहाँ से शेप भी सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको इसके लिए हम दूसरा वाला शेप सिलेक्ट करेंगे ऊपर वाले साइड का एंड सिलेक्ट कर लेते हैं ओके। सो दैट दोनों शेप्स को हमारे इफेक्ट भी ऐड हो गए। उसके बाद हमें ऐड करना है एज अ हमें लोगो ऐड करना है, हमारे इंस्टीट्यूट का लोगो ऐड करना है। सो उसके लिए हम फिर से इंसर्ट में आएंगे। इंसर्ट में आपको क्लिप आर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। आप अगर आपके पास फोटो है आपके इंस्टीट्यूट का या लोगो है तो आप लोगो भी ऐड कर सकते हैं। फिलहाल हम इस वीडियो में एक क्लिप आर्ट का ऑप्शन यूज करके फोटो ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्लिप आर्ट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ एंड जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ मुझे यहाँ पे पॉपअप विंडो आ गई। इसमें हम टाइप करेंगे एज अ कंप्यूटर, कंप्यूटर मैंने यहाँ पे टाइप किया एंड आई एम क्लिकिंग ऑन गो। तो जैसे ही मैंने गो पे क्लिक किया हमें यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस मिल गए। तो इसमें से हम कोई भी आपको जो भी चाहिए आप एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया मैंने। इसके बाद हमें इसको डिज़ाइन करना है। तो उसके लिए हम फर्स्ट तो हमें काम करना है कि इसको इसको हमें रैप करना है, फिक्स करना है। तो उसके लिए हम उस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, पिक्चर टूल्स में फॉर्मेट में आएंगे हम एंड यहाँ से हम रैप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से टाइट के ऊपर फिक्स कर देते हैं। सो दैट अभी हमारा पिक्चर फिक्स हो गया। उसके बाद हमें पेज का डिज़ाइन चेंज करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे पेज के स्टाइल्स जो है पिक्चर के स्टाइल्स उसके ऊपर क्लिक करेंगे। पिक्चर स्टाइल से हम यहाँ पे ओवल शेप ले लेंगे एंड उसको सेट कर लेते हैं। तो हमने फर्स्ट उसको सेट करने के लिए उसके ऊपर क्लिक किया। उसके बाद जो अभी हमें बॉर्डर दिख रहा है सो इतनी ये थिक बॉर्डर है, हमें थिक बॉर्डर नहीं चाहिए, एकदम लाइट बॉर्डर चाहिए। तो उसके लिए हम पेज पिक्चर बॉर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप नो बॉर्डर भी क्लिक कर सकते हैं या आपको अगर छोटी बॉर्डर चाहिए तो आप यहाँ से विड्थ के ऊपर क्लिक करके यहाँ से बॉर्डर हम सिलेक्ट कर लेते हैं एज अ स्मॉल बॉर्डर एंड उसको हम थोड़ा सा ओवल शेप में ऐड कर लेते हैं। सो दैट ये दिखने के लिए और अच्छा दिखेगा एंड उसका साइज भी थोड़ा हम कम कर लेते हैं। उसके बाद हमें ऐड करना है हमारे इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे। सो उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एज अ इंसर्ट के ऊपर एंड यहाँ पे वर्ड आर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ हमें मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे, आपके हिसाब से आप कोई भी अगर आपको अच्छा लगता है वो ऑप्शन यहाँ से यूज कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे इस वाले ऑप्शन के साथ प्रोसीड करेंगे।
अभी हमें यहाँ पे ऐड करना है हमारे कंपनी का नाम। तो अभी हम यहाँ पे ऐड करेंगे एज अ नेम ऑफ आवर इंस्टीट्यूट। तो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ हमारे इंस्टीट्यूट का नेम। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे एज अ अक्षरिका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट हम टाइप करेंगे एंड साइड के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा बीच में एडजस्ट कर लेते हैं। थोड़ा एडजस्ट करने के बाद हमें इसको इफेक्ट देने हैं, डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल इफेक्ट। तो उसके लिए हम टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ड्राइंग टूल्स में हमें ऑप्शन मिल जाएगा फॉर्मेटिंग का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे हम एंड यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्मेशन में से डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन मिल जाएंगे, आपके हिसाब से ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे, फिलहाल तो हम इस वाले ऑप्शन के साथ प्रोसीड करेंगे, अक्षरिका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आपको अगर चाहिए तो आप यहाँ से मल्टीपल ऑप्शंस यूज करके कर सकते हैं। तो अभी हम जाते हैं इस वाले ऑप्शन के साथ, अक्षरिका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया एंड उसके बाद हम यहाँ पे नीचे टाइप करना है हमें सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट। नीचे आने के लिए हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, आगे हम नीचे एंड यहाँ पे हम टाइप करेंगे अभी सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट। तो सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट हमें लार्जर साइज में चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे फर्स्ट फॉन्ट सिलेक्ट कर लेते हैं टाइम्स न्यू रोमन एंड उसका हम साइज भी यहाँ से चेंज कर लेंगे एज ए 36 एंड यहाँ पे अभी हम उसको मिडल में लेते हैं एंड ब्राउडर एंड उसको अंडरलाइन भी कर लेते हैं। यहाँ पे हम टाइप करेंगे सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट। तो यहाँ नेम ऑफ स्टूडेंट, तो नेम ऑफ स्टूडेंट हम टाइप करने के लिए फिर से टाइप करेंगे नेम, स्टूडेंट का नेम हमें यहाँ पे टाइप करना है। तो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ नेम, भी हमने यहाँ पे टाइप किया। अभी उसका नेम का हम फॉर्मेटिंग चेंज करेंगे, तो उसके लिए फर्स्ट तो उसको सिलेक्ट करेंगे हम एंड यहाँ पे फॉन्ट में आएंगे। फॉन्ट में हमें डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं नेम, उसको अंडरलाइन नहीं चाहिए हमें, अंडरलाइन कैंसिल कर देते हैं। और उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे एज अ पेज का इसका कलर। तो फॉन्ट का कलर अभी हम चूज करेंगे एज अ ब्लू कलर चूज कर लेते हैं, तो डिफरेंट कलर भी यहाँ पे शो हो जाएगा। एंड उसके बाद हमें टाइप करना है फॉर सक्सेसफुल कंप्लीटिंग, तो यहाँ पे मैं फॉर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग यहाँ पे टाइप कर लेते हैं एंड उसका भी थोड़ा फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। तो फॉन्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे एज अ टाइम्स न्यू रोमन एंड उसकी साइज भी कम कर लेते हैं। साइज कम करने के बाद उसका हम कलर भी चेंज कर लेते हैं एज अ ब्लैक कलर। तो ऑटोमेटिक कलर मैंने यहाँ से ले लिया एंड इंटर के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो इसके बाद हमें करना है हमारे कोर्स का नेम, जो भी कोर्स कंप्लीट किया है उस कोर्स का नेम यहाँ पे हमें टाइप करना है। तो मैं यहाँ पे अभी टाइप कर रहा हूँ कैड मास्टर कोर्स यहाँ पे हम टाइप करेंगे। आप अपने हिसाब से जो भी आपका कोर्स होगा आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं एंड इसका हम फॉर्मेटिंग चेंज कर लेते हैं। सो दैट यहाँ पे अल्जेरियन फॉर्मेट ले रहा हूँ एंड उसका साइज भी हम इंक्रीज कर लेते हैं एंड उसको सेट करते वक्त हम उसका कलर भी यहाँ से चेंज कर लेते हैं। सो दैट यहाँ पे हम एक डिफरेंट कलर के साथ प्रोसीड करेंगे। उसके बाद आई एम क्लिकिंग ऑन इंटर एंड लास्ट में हमें ऐड करनी है एज अ डेट। तो अभी हमारा नेक्स्ट पेज पे गया है, सो हम थोड़ा सा इसका फॉर्मेटिंग चेंज कर लेते हैं, उसका साइज छोटा कर लेते हैं, सो दैट एक ही पेज पे सभी हमारे टोटल बैठ जाएगा। तो इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, हाँ। तो उसके बाद हम यहाँ पे नीचे ले लेंगे एज अ डेट लेते हैं एंड डेट के लिए अगेन डबल कॉमा लेते हैं एंड यहाँ पे हम डेट, आज की डेट टाइप करेंगे एज अ 23 नवंबर 2022 एंड इसको एक साइड में अभी इसका फॉन्ट हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, फॉन्ट भी छोटा कर लिया, उसका साइज भी हम थोड़ा छोटा करके यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे एंड उसका कलर हम ब्लैक ले लेते हैं। सो दैट अभी हमें लास्ट में ऐड करना है इसके बाद की सिग्नेचर ऑफ डायरेक्टर। सो उसके लिए हम यहाँ पे साइड वाला ऑप्शन यहाँ पे चूज करते हैं, फर्स्ट तो हम सेंटर में लेते हैं सिग्नेचर ऑफ डायरेक्टर, एक इंटर करके यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ डायरेक्टर हम ऐड कर लेंगे, सिग्नेचर ऑफ डायरेक्टर।
डायरेक्टर, यहाँ पे ऐड कर लिया एंड इसको हम एक साइड में ले लेते हैं सो दैट डायरेक्ट का साइन भी यहाँ पे हम ऐड कर सके। अभी हमने यहाँ पे साइड में ले लिया, उसके सिग्नेचर ऑफ डायरेक्टर के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ करेंगे। सो उसके लिए हम इंसर्ट में आएंगे, इंसर्ट में शेप्स के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से एक लाइन का ऑप्शन है वो सिलेक्ट करेंगे एंड जस्ट इसके ऊपर हम लाइन ड्रैग करेंगे एंड यहाँ से उसका लाइन का शेप भी चेंज करेंगे, थिक लाइन हम ले लेंगे सो दैट ये दिखने के लिए एकदम अच्छा दिखेगा। उसके बाद हमारा तो अभी ऑलमोस्ट हमारा सर्टिफिकेट रेडी है, सो उसके बाद हमें ऐड करना है एज अ लोगो। सो लोगो ऐड करने के लिए हम फर्स्ट तो इसमें इंसर्ट करेंगे, तो हम आएंगे इंसर्ट टैब के ऊपर एंड यहाँ पे शेप्स के ऊपर आएंगे। यहाँ पे आपको स्टार्स में एक नीचे ऑप्शन मिल जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे। सो हम यहाँ पे 32 पॉइंट स्टार यहाँ पे यूज करेंगे एंड यहाँ पे शेप हम ड्रॉ कर लेते हैं। हमने यहाँ पे शेप ड्रॉ कर लिया, उसके बाद हमें शेप को ड्रॉ करने के बाद हमें फिर से इंसर्ट पे आना है। अगेन यहाँ पे हम एरो का शेप ड्रॉ करेंगे, सो दैट हमने यहाँ पे एरो का शेप ले लिया एंड यहाँ से हम एरो भी उसको ड्रॉ कर लेते हैं एंड इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं। अगेन इसका और एक कॉपी बना लेते हैं हम, और एक कॉपी हमने यहाँ पे ले लिया एंड इसको भी रोटेट करके एडजस्ट कर लेते हैं। दोनों को एडजस्ट कर लिया एंड इसको यहाँ पे हम एडजस्ट कर लेंगे सो दैट यहाँ पे हमें सर्टिफिकेट का एक सिंबल रेडी हो जाएगा। अभी हमने यहाँ पे इसको ले लिया एंड उसको अभी हमें शेप फिल करना है, सो इसका हम कलर चेंज भी कर लेते हैं। तो मैंने उसको कंप्लीट सिलेक्ट किया एंड उसका फर्स्ट शेप चेंज करेंगे। सभी को हमें एक ही कलर देना है इसलिए मैंने तीनों को एक साथ सिलेक्ट किया। उसके बाद हम यहाँ पे चेंज करेंगे उसका शेप, सो दैट मैंने शेप चेंज किया एंड उसको हमें आउटलाइन, अभी देखिए इधर ब्लू कलर की हमें आउटलाइन दिख रही है, तो हमें आउटलाइन नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे शेप आउटलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे, नो आउटलाइन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड ये जो हमने फर्स्ट ऊपर का जो हमने स्टार यूज किया है उसका भी साइज हम इंक्रीज करके एडजस्ट कर लेते हैं सो दैट हमारा पूरा स्टार अभी रेडी हो गया है। इसके बाद हमें यहाँ पे ये जो हमने मल्टीपल ये दो एरोज ऐड किए हैं, सो इन दोनों एरोज को हमें बैकवर्ड भेजना है। ये जो हमने स्टार रेडी किया है स्टार के बैकवर्ड में होनी चाहिए, इसके लिए हम उसको फिक्स करेंगे। इसको हम यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो बिहाइंड टेक्स्ट आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, सो जस्ट उसके ऊपर क्लिक कीजिए। सो जब देखिए यहाँ पे बिहाइंड टेक्स्ट चला गया, ये स्टार है स्टार के पीछे चला गया। सिमिलर फॉर अदर एरो ऑल्सो, यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे बिहाइंड टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। अगेन उसके बाद अगेन हम शेप में आएंगे, शेप में इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे एक ओवल का सिंबल हम इंसर्ट करेंगे इसके ऊपर, सो दैट यहाँ पे ओवल का एक सिंबल हम ऐड कर लेते हैं, इसको एडजस्ट कर लेते हैं सेंटर में एंड इसका कलर चेंज कर लेते हैं एज अ डिफरेंट कलर से हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं सो दैट हम यहाँ पे ग्रीन कलर के साथ प्रोसीड करेंगे एंड उसको आउटलाइन जो दिख रहे हैं हमें आउटलाइन नहीं चाहिए, सो आउटलाइन को हम वैनिश कर देते हैं। सो दैट अभी देखिए फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे कंप्लीट सर्टिफिकेट रेडी हो गया। सो आप इसी प्रकार से आपके इंस्टीट्यूट का या आपके कॉलेज का अगर कॉम्पिटिशन है सर्टिफिकेट, तो आप यहाँ पे इसी प्रकार से सर्टिफिकेट रेडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सो होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू, इफ यस प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।